Hey guys, कैसे आप लोग? आज मैं Redmi Note 10 Pro, Nazo 30 Pro एंड Realme 8 के कैमरे का रिव्यू करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं तीनों स्मार्टफोन का फुल रिव्यू लेकर आने वाला हूँ। फुल रिव्यू में मैं बहुत सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक कैमरे का डिटेल में रिव्यू शेयर कर दिया जाए पहले। तो गाइस आप वो वीडियो भी जरूर देखना। Redmi Note 10 Pro एंड Realme 8 में क्वाड रियर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा के साथ, और Nazo 30 Pro 5G में 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा, और सेल्फी शूटर तीनों स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का। तीनों स्मार्टफोन में 4K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है एंड 1080p 60 और 30fps दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। फ्रंट कैमरे से आप तीनों स्मार्टफोन में ओनली 1080p 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। गाइस मैं स्पेक्स एंड फीचर्स पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं फटाफट तीनों स्मार्टफोन से ले गए शॉट्स एंड वीडियो का सैंपल आप लोगों को दिखा देता हूं, जो मैंने बारिश के बाद लिया है आज। स्टार्ट करते हैं सेल्फी से। इंडोर या आउटडोर अच्छे लाइटिंग कंडीशन में Redmi Note 10 Pro से लिए गए शॉट्स मुझे इन तीनों में सबसे ज्यादा अच्छे लगे। कलर रिप्रोडक्शन हो या फिर स्किन टोन, कलर ऑन पॉइंट लगा मुझे Redmi Note 10 Pro का। तीनों स्मार्टफोन में 15% ब्यूटी मोड मैंने ऐड कर रखा था। डिटेलिंग तीनों ने अच्छा कैप्चर किया है, ब्लर इफेक्ट और एज डिटेक्शन भी ओके लगा। Nazo 30 Pro का स्किन टोन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, पिक्चर थोड़ा ज्यादा ब्राइट लग रहा है, व्हाइट बैलेंस भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ लग रहा है, ब्लर इफेक्ट ओके है बट एज डिटेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चश्मे का जो लेफ्ट साइड पे कॉर्नर है ना, वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ दिखा। Realme 8 Nazo 30 Pro से बेटर दिख रहा है, व्हाइट बैलेंस सही है, स्किन टोन Note 10 Pro जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे Nazo 30 Pro से ओवरऑल जो क्वालिटी है ना वो अच्छी लग रही है, ब्लर इफेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन एज डिटेक्शन में वही चश्मे का जो कॉर्नर है ना वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है। ब्यूटी मोड ऑफ करने के बाद तीनों का पिक्चर थोड़ा सा शार्प दिख रहा है, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल दिख रहा है बट बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। इस डिटेक्शन में अभी भी आप Nazo 30 Pro एंड Realme 8 में वो जो चश्मे का कॉर्नर है वहां पे आपको थोड़ा सा गड़बड़ दिखेगा। वैसे गाइस शार्पनेस की बात करें तो Nazo 30 Pro ब्यूटी मोड ऑफ करने के बाद Realme 8 से थोड़ा सा ज्यादा शार्प दिख रहा है। आउटडोर में अच्छे लाइटिंग कंडीशन में स्किन टोन Note 10 Pro और Realme 8 का मुझे क्लोज टू नेचुरल लग रहा है, स्लाइटली बेटर है Note 10 Pro का, लेकिन Realme 8 ने भी अच्छा कैप्चर किया है कलर इस बार। अगर मैं इसे इनडोर से कंपेयर करूँ तो आउटडोर में कलर ज्यादा अच्छा, ज्यादा नेचुरल लग रहा है। एंड गाइस Nazo 30 Pro का थोड़ा सा पिक्चर ज्यादा गोरा गोरा सा, थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट हो गया है। ब्लर इफेक्ट तीनों स्मार्टफोन का सही लग रहा है। एज डिटेक्शन की अगर बात करूँ तो फिर से Redmi Note 10 Pro, Realme 8 एंड Nazo 30 Pro से स्लाइटली बेटर दिख रहा है। शार्पनेस की बात करूं तो अगेन Redmi Note 10 Pro स्लाइटली बेटर दिख रहा है इन तीनों में। लो लाइट कंडीशन में एक्चुअली आप डार्क सिचुएशन कह सकते हो क्योंकि लाइट काफी कम है, और इस सिचुएशन में भी Redmi Note 10 Pro ने अच्छा काम किया, डिटेलिंग काफी सही है। Realme 8 की बात करूं तो डिटेलिंग मिसिंग है, और Nazo 30 Pro में डिटेलिंग तो मिसिंग है, साथ में व्हाइट बैलेंस भी बिगड़ गया है। तो गाइस कैसी भी लाइटिंग कंडीशन हो, सेल्फीज के लिए Redmi Note 10 Pro बेस्ट है इन तीनों में। कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आ जाता है जब आप रियर कैमरे से इस तरह की सिचुएशन यानी डार्क सिचुएशन में पिक्चर लेते हो, तो Nazo 30 Pro इन तीनों में सबसे बेटर दिख रहा है। पिक्चर थोड़ा सा ब्राइट भी है, डिटेलिंग भी सही है, और कलर भी Nazo 30 Pro का ज़्यादा एक्यूरेट है। नाइट मोड ऑन करने के बाद भी ओवरऑल क्वालिटी Nazo 30 Pro की मुझे तीनों में सबसे बेटर दिख रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, नाइट मोड ऑन करने के बाद थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है Nazo 30 Pro शॉट क्लिक करने में। बारिश हो रही थी इसलिए नाइट शॉट लेने के लिए मैं बाहर नहीं जा पाया, लेकिन विंडो से मैंने एक ही शॉट लिया है और एक ही शॉट काफ़ी है पिक्चर क्लियर करने के लिए। सबसे ज़्यादा नॉइज़ दिख रहा है Realme 8 के पिक्चर में, एंड गाइस सबसे कम नॉइज Nazo 30 Pro में दिख रहा है, यानी सबसे क्लीन है Nazo 30 Pro। वैसे Note 10 Pro ओके है, नॉइज कम है, और तीनों में सबसे ज्यादा ब्राइट भी है। एंड गाइस नाइट मोड ऑन करने के बाद Realme 8 का नॉइज गायब, पिक्चर थोड़ा सा डार्क आया लेकिन पहले से मच बेटर दिख रहा है। Nazo 30 Pro इन तीनों में सबसे ज्यादा ब्राइट दिख रहा है, लेकिन ये शॉट क्लिक करने में मुझे 30 सेकंड्स लगा, यानी आपको ऐसे शॉट क्लिक करने के लिए एक ट्राइपॉड चाहिए। नाइट मोड ऑन करने के बाद ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है Note 10 Pro में, लेकिन स्लाइटली ब्राइटर है, नो नॉइज एंड क्वालिटी तीनों में सबसे ज्यादा बेटर दिख रहा है, यानी डिटेल जो है वो Note 10 Pro ने सबसे अच्छा कैप्चर किया है इस कंडीशन में भी। बारिश के बाद तेज धूप तो नहीं थी लेकिन आसमान में बादल थे, और तीनों स्मार्टफोन ने बादल का, स्काई का जो डिटेल था ना वो बहुत अच्छे से कैप्चर किया। ओवरऑल जो पिक्चर की क्वालिटी है ना तीनों में मस्त लग रही है, लेकिन पिक्चर को जूम करके देखने के बाद गाइस Redmi Note 10 Pro मुझे सबसे बेटर दिखा शार्पनेस एंड डिटेलिंग में। गाइस मैं ग्राउंड के एक एंड में खड़ा था और दूसरे एंड में एक क्लब था जिसपे कुछ टेक्स्ट लिखा था। जूम करके देखने के बाद Redmi Note 10 Pro ने जो टेक्स्ट था ना वो सबसे क्लियरली कैप्चर किया। एंड में जो बिल्डिंग्स थे ना उसका डिटेल 10 टाइम्स जूम करके देखने के बाद भी Redmi Note 10 Pro में सबसे बेटर दिख रहा है। एंड Nazo 30 Pro ने 48 मेगापिक्सल कैमरे से भी बहुत अच्छा शॉट लिया है, बहुत ज़्यादा डिटेल देख सकते हो आप Nazo 30 Pro के इमेज में भी, और Realme 8 मुझे तीनों में सबसे पुअर दिख रहा है। यहाँ पे दूसरे पिक्चर में अगेन तीनों स्मार्टफोन ने स्काई का डिटेल बहुत अच्छे से कैप्चर किया है, एंड डिटेलिंग भी तीनों स्मार्टफोन की अच्छी दिख रही है, लेकिन जूम करके देखने के बाद
नोट 10 प्रो ज़्यादा शार्प दिख रहा है, नाजो 30 प्रो वैसे ज़्यादा पीछे नहीं है, एंड देख सकते हो 48 मेगापिक्सल से भी नाजो 30 प्रो ने बहुत अच्छा शॉट कैप्चर किया है। गाइस इतना जूम करने के बाद भी नाजो 30 प्रो में सबसे कम नॉइज देखने को मिला है एंड सबसे ज़्यादा नॉइजी दिख रहा है रियलमी 8 यहाँ पे। एंड गाइस कलर रिप्रोडक्शन की अगर बात करूँ तो जो बिल्डिंग का कलर है या फिर पेड़ पत्तों का जो ग्रीन कलर है वो रेडमी नोट 10 प्रो और रियलमी 8 का बेटर दिख रहा है नाजो 30 प्रो से। फ्रंट कैमरा हो या फिर रियर कैमरा, कलर रिप्रोडक्शन में नाजो 30 प्रो थोड़ा सा यहाँ पे पुअर दिख रहा है, वैसे नाइट शॉट में इसने अच्छा कलर कैप्चर किया था। इस पिक्चर में तीनों स्मार्टफोन ने बहुत अच्छा किया है, वाइट बैलेंस भी तीनों का सही है, डायनेमिक रेंज भी ओके है, डिटेलिंग भी तीनों स्मार्टफोन ने बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। कलर रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो अगेन रेडमी नोट 10 प्रो ने बेटर जॉब किया, ये जो बैम्बू का फेंस बना हुआ ना इस पे जो येलो और ग्रीन कलर है वो ज्यादा अच्छे से कैप्चर किया है रेडमी नोट 10 प्रो ने। कलर रिप्रोडक्शन की अगर बात करूँ तो अगेन मुझे नाजो 30 प्रो थोड़ा सा ऑफ दिख रहा है, लेकिन डिटेलिंग और शार्पनेस में 48 मेगापिक्सल कैमरे के साथ ये दोनों स्मार्टफोन को बहुत सॉलिड टक्कर दे रहा है। पोर्ट्रेट शॉट्स की अगर बात करूँ तो तीनों स्मार्टफोन का ब्लर इफेक्ट मुझे ओके लगा, लेकिन एज डिटेक्शन रेडमी नोट 10 प्रो और रियलमी 8 का ज्यादा बेटर दिख रहा है, और शार्पनेस डिटेलिंग की बात करूँ तो रेडमी नोट 10 प्रो और रियलमी 8 ज्यादा बेटर दिख रहा है नाजो 30 प्रो से। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है ना ये मैंने नॉर्मल मोड से क्लिक किया है, यानी नो 64 मेगापिक्सल, नो 48 मेगापिक्सल, और सबसे अमेजिंग दिख अगेन रेडमी नोट 10 प्रो। कलर रिप्रोडक्शन ऑन पॉइंट है, बिल्डिंग का कलर, स्काई का कलर, पेड़ पत्तों का कलर बहुत ही मस्त दिख रहा है, डिटेलिंग भी बहुत अच्छे से कैप्चर किया है, कॉन्ट्रास्ट भी सही है, एंड वाइट बैलेंस भी परफेक्ट दिख रहा है रेडमी नोट 10 प्रो का। नाजो 30 प्रो में बिल्डिंग का कलर थोड़ा सा फीका लग रहा है, स्काई का कलर अच्छे से कैप्चर किया है, कॉन्ट्रास्ट में थोड़ी सी कमी है, शार्पनेस एंड डिटेलिंग जो है वो ठीक है, ओके है। Realme 8 से अगर आपको एक अच्छा शॉट लेना है तो आप 64 मेगापिक्सल वाला शॉट लेना, नॉर्मल मोड से अगर आप शॉट लेते हो तो काफ़ी पुअर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, स्काई का कलर काफ़ी आर्टिफिशियल सा लग रहा है, पेड़ पत्तों का कलर भी नेचुरल नहीं दिख रहा है, और गाइज डिटेलिंग भी मिसिंग है। एंड गाइज वाइड एंगल शॉट की अगर बात करूँ तो Realme 8 मुझे तीनों में सबसे बेटर लगा। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो तीनों स्मार्टफोन में Redmi Note 10 Pro बेस्ट है, वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी है और ज़्यादा स्टेबल फुटेज आप Redmi Note 10 Pro से रिकॉर्ड कर सकते हो। नोट 10 प्रो 1080p 30fps, नाजो 30 प्रो 1080p 30fps, Realme 8 1080p 30fps, Note 10 Pro 1080p 60fps, Nazo 30 Pro 1080p 60fps, Realme 8 1080p 60fps, Redmi Note 10 Pro 1080p 30fps, नाजो 30 प्रो 1080p 30fps, रियलमी 8 प्रो 1080p 30fps। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तीनों स्मार्टफोन का फुल डिटेल लेकर, तो प्लीज़ वो वीडियो मिस मत करना। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए iPhone Unboxed।